हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भिन्नों की तुलना की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी अपने को भिन्नों की तुलना करनी हो तो अपने पास में तीन केसेस बनते हैं। देखिए ये केसेस कौन कौन से हैं। केस फर्स्ट है कि जब दी गई भिन्नों की जो हर है वह समान हो। तो यहाँ पर समझिए, जैसे कि मेरे पास में दो भिन्न है, एक है 2/3 और दूसरी है 1/3। देखिए यहाँ पर दोनों ही भिन्नों का हर क्या है, समान है। इसका भी हर 3 है और इसका भी हर 3 है। तो इस कंडीशन में अपन भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे? तो देखिए, पहले मैं आपको इनको समझा देता हूँ, डायग्राम से इसको समझाता हूँ, और फिर वहां से अपन रिजल्ट निकालेंगे और उस रिजल्ट की सहायता से इनकी तुलना करेंगे। देखिए यहाँ पर, देखिए 2/3 को मैं डायग्राम से कैसे दर्शाऊंगा? जैसे कि ये अपने पास में एक चॉकलेट है, ठीक है, और सेम साइज की दूसरी चॉकलेट है मेरे पास में, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, साइज सेम रखनी है अपने को, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जब भी कोई भिन्न दी गई हो तो उस भिन्न का जो हर है वह दर्शाता है कि किए गए एक पूर्ण इकाई के किए गए टुकड़ों की संख्या को दर्शाता है। तो यहां पर देखिए, मैंने एक चॉकलेट ली तो इस तीन जो हर है वह क्या दर्शाता है कि इसके तीन बराबर टुकड़े किए गए हैं, और जो अंश है वह क्या दर्शाता है, किए गए टुकड़ों में से लिए गए टुकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर कितने अंश कितना है अपना, दो। यानी जो अपन ने चॉकलेट के तीन हिस्से किए हैं उनमें से दो हिस्से अपन ने ले लिए, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं 1/3 की बात करूं तो 1/3 में जो हर है वह कितना है, तीन है। तो यानी अपने को अपने चॉकलेट के कितने हिस्से करें, तीन बराबर हिस्से, 1, 2 और 3। तो यहां पर देखिए, तीन बराबर हिस्सों में से अपन ने कितना हिस्सा लिया है, एक हिस्सा लिया है, मतलब ये वाला लिया है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए मैंने इस चॉकलेट के ये दो हिस्से खाए और इसमें चॉकलेट का एक हिस्सा खाया, कौन सी चॉकलेट का मैंने ज्यादा हिस्सा खाया, तो इस वाली चॉकलेट का। तो यानी कौन सी जो चॉकलेट का ज्यादा हिस्सा खाया, इसका। तो यानी इस चॉकलेट से संबंधित भिन्न अपनी कौन सी है, 2/3, और इस चॉकलेट से संबंधित भिन्न कौन सी, 1/3। तो मैंने इसका ज्यादा हिस्सा खाया तो मतलब कौन सी भिन्न बड़ी होगी, 2/3 बड़ी होगी। तो यहां से अपने पास में एक रिजल्ट निकल के आता है कि जब भी दी गई भिन्नों के हर समान हो तो अपने को अंश को देखना है, जिस भिन्न का अंश या न्यूमरेटर बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होगी और जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वह छोटी होगी। तो यहां पर कौन सी भिन्न बड़ी होगी, 2/3 भिन्न बड़ी होगी। तो अब समझिए, तो ये हो गया अपना पहला केस। अब देखिए दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरे केस की बात करें तो दूसरा केस अपने पास में आता है कि जब दी गई भिन्नों का अंश समान हो। तो देखिए यहां पर, जैसे कि मेरे पास में भिन्न है 2/5 और दूसरी भिन्न है मेरे पास में मान लीजिए 3/5। तो यहां पर देखिए, 2/5 और अंश समान करने हैं अपने को, तो ये दूसरी भिन्न अपने पास में हो जाएगी 2/3, ठीक है। देखिए यहां पर इन दोनों ही भिन्नों में इनका अंश समान है, अंश क्या है, दो दो है। तो इस स्थिति में अपन इनका कंपैरिजन कैसे करेंगे, देखिए पहले इनको समझ लेते हैं डायग्राम से और उसके बाद में इसको करते हैं। यहां पर देखिए, मैं 2/5 को अगर डायग्राम में कैसे दर्शा सकता हूँ, ये देखिए, ये मेरे पास में एक चॉकलेट हो गई, इसके मेरे को कितने टुकड़े करने हैं, जो हर होता है वह किए गए टुकड़ों की संख्या होती है, तो कितने करने हैं, 5। तो देखिए, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 रुपए कर दिए, और उनमें से कितने हिस्से लेने हैं या कितने हिस्से खाने हैं, इसमें से दो जो अंश होता है वह लिए गए टुकड़ों की संख्या होती है। तो देखिए ये दो हिस्से मैंने खा लिए। अब यहां पर देखिए, 2/3 है तो इसको भी अपने को एक, ये अपनी चॉकलेट हो गई। यहां पर देखिए, इसके कितने हिस्से करने हैं, तीन हिस्से करने हैं। तो देखिए मैं कर रहा हूं इसके तीन हिस्से, 1, 2 और 3। अब इन तीन हिस्सों में, ये दोनों चॉकलेट सेम साइज की है, अब इन तीन हिस्सों में से कितने हिस्से खाने हैं, दो हिस्से खाने हैं। तो देखिए ये दो हिस्से मैंने यहां से खा लिए। अब बताइए आप इन दोनों चॉकलेट्स को देख के कि
कौन सी चॉकलेट का मैंने ज्यादा हिस्सा खाया, इसका या फिर इसका। देखिए ये इतना है और ये इतना है, कौन सी चॉकलेट का ज्यादा हिस्सा खाया, इस वाले का। तो इससे संबंधित जो भिन्न है वो कौन सी है, 2/3। तो कौन सी भिन्न बड़ी हो जाएगी इनमें से, 2/3 भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो यहां से अपना रिजल्ट निकल के सामने आता है कि जब दी गई भिन्नों का अंश समान हो तो जिस भिन्न का जो हर है वह छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश बड़ा है वह छोटी होगी। बात समझ में आई यहां से कि जब भी दो दी गई भिन्नों का अंश क्या हो, समान हो, तो उनका जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह तो बड़ी होगी और जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वह छोटी होगी। तो यहां पर देखिए 2/5 और 2/3 में दोनों के अंश तो समान है, लेकिन 2/3 भिन्न का जो हर है वह छोटा है, तो बड़ी कौन सी हो जाएगी, 2/3। तो ये अपना हो गया दूसरा केस। चलिए बात करते हैं अपन अपने तीसरे केस की। देखिए स्टूडेंट्स, अपना जो तीसरा केस है वह क्या है कि जब दी गई भिन्नों का ना ही तो हर समान हो और ना ही अंश समान हो। जैसे कि अपने पास में भिन्न है 2/3 और 4/5। देखिए इन दोनों ही भिन्नों के ना तो अंश समान है और ना ही हर समान है। तो अब इन दोनों भिन्नों में कौन सी भिन्न बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी, इसको देखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, चाहे तो इन दोनों के अंश समान बना लो और चाहे इन दोनों के हर समान बना लो। तो यहां पे देखिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों भिन्नों के हर को समान बना के इनकी तुलना करेंगे। अगर हर को समान बना लेंगे तो केस फर्स्ट से जैसे मैंने आपको बताया उस हिसाब से इनकी तुलना हो जाएगी। तो देखिए यहां पे हर को समान बनाने का क्या तरीका है, वही एलसीएम पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो लीजिए, तो इन 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15। भाई जब भी कोई दो संख्या जो कि क्या हो, प्राइम नंबर्स हो, उनका जब भी एलसीएम लेना हो अपने को, तो कुछ नहीं करना, उन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर देखिए 3 भी एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा इनका, इन दोनों का गुणा ही। तो इन दोनों का एलसीएम कितना है, 15 है। तो जब एलसीएम इन दोनों का कितना आ गया, 15 आ गया। तो अब देखिए इसके भी हर को मैं 15 बनाऊंगा और इसके भी हर को 15 बनाऊंगा। तो देखिए कैसे बनाऊंगा, तो 3 को मेरे को 15 बनाने के लिए 3 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से। तो ये देखिए मैंने इसको 5 से गुणा कर दिया। जब हर को 5 से गुणा करा तो इसके अंश को भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, अंश कितना है, 2। तो 2 को भी मैं 5 से गुणा कर दूंगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए जो ये 5 है इसको भी 15 बनाना है मेरे को, तो 5 को 15 कैसे बनाऊंगा, इसके हर को 3 से गुणा कर दूंगा। तो अब जब इसको 3 से गुणा करा तो इसके अंश को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये देखिए, अब देखिए 2/5 कितना हो गया, 10। 3/5 कितना हो गया, 15। 4/3 कितना हो गया, 12। और 5/3 कितना हो गया, 15। अब देखिए दोनों के हर अपन ने समान बना लिए हैं, और हर समान बनाया मतलब ये जो 2/10/15 है ये किसकी तुल्य भिन्न है, 2/3 की, और 12/15 किसकी तुल्य भिन्न है, 4/5 की। जब हर समान हो गया तो मैंने जो पहला केस बनाया था कि जब भिन्नों का हर समान हो तो अपन अंशों को देखते हैं, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। यहां पे देखते हैं इस भिन्न का अंश कितना है, 10, और इस भिन्न का अंश कितना है, 12। तो बड़ी कौन सी हो जाएगी, 12/15 बड़ी हो जाएगी। तो यानी इससे संबंधित जो भिन्न है वह कौन सी है, 4/5। तो यानी 2/3 और 4/5 में कौन सी भिन्न बड़ी हो जाएगी, 4/5। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पर अपन इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, जब भिन्नों का हर और अंश समान नहीं हो तो अपन इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए 2/3 और 4/5 है, अपने को कुछ नहीं करना, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब दूसरी भिन्न के हर को पहली भिन्न के अंश से गुणा करना है। इसी तरह से पहली भिन्न के हर को दूसरी भिन्न के अंश से गुणा करना है। तो देखिए 2 को मैं 5 से गुणा करूंगा,
और यहां पर तीन को मैं चार से गुणा करूंगा। अब समझिए, यहां पर दो को पांच से गुणा करने पर कितना आया 10, और तीन को चार से गुणा करने पर कितना आया 12। तो 10 और 12 में कौन सा बड़ा है? 12 बड़ा है। तो इस 12 से संबंधित भिन्न कौन सी है? 4/5। तो यहां पर अपन देखेंगे कि अपनी जो भिन्न है वह कौन सी बड़ी हो जाएगी, 4/5। अपन ने कुछ नहीं करा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और जिसका भी गुणनफल ज्यादा है उससे संबंधित भिन्न ही बड़ी होगी। तो यहाँ पर जो ये 12 है यह 10 से बड़ा है, तो यहाँ पर 4/5 इस 2/3 से बड़ी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स इस तरह से आप किसी भी किन्हीं भी भिन्नों का तुलना कर सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल देख लीजिए, 10/11, 13/12। तो यहाँ पर देखिए आप, अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर 10/11 और 13/12 है, तो यहां पर देखिए कौन सी भिन्न बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। तो एक बात आप जान लीजिए फ्रेंड्स, ये 10/11 है वह कौन सी भिन्न है? उचित भिन्न है। उचित भिन्न क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में कि जिस भिन्न का हर बड़ा हो वह अंश से हर बड़ा हो वह भिन्न कौन सी होती है? उचित भिन्न। और अनुचित भिन्न कौन सी होती है? जिसका अंश हर से बड़ा हो। तो यहां पर देखिए 10/11 और 13/12 में 10/11 तो क्या है? उचित भिन्न है या प्रॉपर फ्रैक्शन है, और 13/12 है वह क्या है? अनुचित भिन्न है। ठीक है, तो यहां पर जब भी उचित भिन्न और एक अनुचित भिन्न की अपन तुलना करेंगे तो हमेशा अनुचित भिन्न बड़ी होगी। तो यहां पर देखिए 10/11 एक उचित भिन्न है, 13/12 एक अनुचित भिन्न है, तो 13/12 यहां पर बड़ी हो जाएगी। जब भी अनुचित और उचित भिन्न की तुलना की जाएगी तो अनुचित भिन्न हमेशा उचित भिन्न से बड़ी होगी। तो यहां पर कौन सी बड़ी हो जाएगी? 13/12 बड़ी हो जाएगी। और इसको इस तरीके से भी अपन देख सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने क्या बताया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 10 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 × 12, और इधर 13 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 13 × 11। तो देखिए 10 को 12 से गुणा करने पर कितना आया 120, और 13 को 11 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 3, 143। तो यहां पर देख सकते हैं आप कौन सा गुणा बड़ा है, 143। तो इस गुणा से संबंधित भिन्न कौन सी है? ये वाली। तो बड़ी कौन सी हो जाएगी? 13/12। फ्रेंड्स अब यहां पर एक और मैं आपको फैक्ट बताना चाह रहा हूं। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मेरे पास में एक भिन्न है 1/2 और दूसरी भिन्न है 1/3। तो यहां पर देखिए ये दोनों भिन्न कौन सी है, उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है? तो अपन देखते हैं कि दोनों ही भिन्नों का जो हर है अंश से बड़ा है, तो यानी ये दोनों कौन सी भिन्न है? उचित भिन्न। तो जब भी दो उचित भिन्नों का अपन गुणा करेंगे तो देखिए इनको गुणा कीजिए कितना आया, एक को एक से गुणा करेंगे 1, दो को 3 से गुणा करेंगे 6, तो कितना आया 1/6। तो जब भी अब अपन इसकी तुलना करते हैं, देखिए 1/2 और 1/6, और फिर अपन तुलना करते हैं 1/3 और 1/6 की, यानी कि दोनों उचित भिन्नों के गुणनफल से इनकी तुलना करते हैं। 1/2 की 1/6 से तुलना करने पर देखिए क्या आएगा, यहां पर देखिए 6, इनको अपन उस हिसाब से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जिसका गुणा बड़ा है वह बड़ी हो जाएगी। देखिए 1/6 आया इधर, और इधर 1/2 आया, 1/6 कितना आया 6, और ये कितना आ गया 2। बताइए किसका कौन सा गुणा ज्यादा है, ये 6 ज्यादा है, 6 से संबंधित भिन्न कौन सी है? 1/2। तो यानी जो अपनी बड़ी भिन्न है वह कौन सी हो जाएगी? 1/2। इसी तरह से आप इसको देखिए, तो यहां पे देखिए 6, इसको गुणा कीजिए 1/6 और 1/3, यहां पे देखेंगे तो 6 और 3, तो कौन सा बड़ा है इसमें? 6 बड़ा है, तो इससे संबंधित भिन्न कौन सी है? 1/3। तो यानी 1/3 1/6 से बड़ी हो जाएगी। तो यहां पर अपन इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, जो केस सेकंड मैंने आपको बताया था कि जब भिन्नों का अंश समान हो तो उसके हरों को देखते हैं। तो यहां पर देखेंगे अपन, इन दोनों ही भिन्नों का अंश समान है, कितना है? 1-1। तो जो जिसका हर बड़ा है वह छोटी होगी, और जिसका हर छोटा है वह बड़ी होगी। तो यहां पर देखिए
दो इन दोनों में दो छोटा है, यानी कि 1/2 का हर छोटा है, तो बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 1/2। इसी तरह से 1/3 भी बड़ी हो जाएगी। तो यहां से अपना एक रिजल्ट निकल के सामने आता है कि किन्हीं भी दो उचित भिन्नों का जो गुणनफल होता है वह उन भिन्नों से क्या होता है? छोटा होता है। देखिए इन यहां पर 1/2 और 1/3 का जो गुणनफल कितना आया? 1/6। तो ये 1/6 इस 1/2 से भी छोटा है और 1/3 से भी छोटा है। अब एक दूसरे फैक्ट की बात करते हैं। देखिए अपने पास में एक भिन्न है 2/3/2 और दूसरा क्या है जैसे 5/4। ये दो भिन्न है अपने पास में। तो यहां पर देखिए ये दोनों भिन्न कौन सी है? तो यहां पर इसका जो अंश है इसके हर से बड़ा है, इस भिन्न में भी इस भिन्न का जो अंश है इसके हर से बड़ा है। तो जब अंश हर से बड़ा हो तो भिन्न कौन सी होती है? अनुचित भिन्न। यहाँ पे 3/2 और 5/4 दोनों ही क्या है? अनुचित भिन्न है। तो देखिए अब इनका गुणा करके देखते हैं अपन। तो 3 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 15। और 2 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 8। तो यहां पर देखिए अब अगर मैं 3/2 की 15/8 से तुलना करूं, देखिए 3/2 की तुलना किससे करूं? 15/8 से। तो देखिए यहां पर कौन सी भिन्न बड़ी होगी? तो अपने को कुछ नहीं करना, अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जिस भिन्न से संबंधित गुणनफल बड़ा आएगा वही बड़ी हो जाएगी। तो 3 को 8 से गुणा करा तो कितना आया? और इसी प्रकार से 15 को 2 से गुणा कर देंगे तो 3 गुणा 8 कितना आ गया? 24। और 15 गुणा 2 कितना आ गया? 30। तो कौन सा ज्यादा है इन दोनों में? 30 ज्यादा है। तो इससे संबंधित भिन्न कौन सी है? 15/8, यानी कि 15/8 3/2 से बड़ी हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं 5/4 की तुलना करूं 15/8 से, तो देखिए यहाँ पे 5/4 की तुलना करूं 15/8 से, तो यहाँ पे समझिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 को गुणा किया 8 से और 4 को गुणा किया 15 से। यहाँ पे देखिए 8 × 5 = 40 और 15 × 4 = 60। कौन सा बड़ा है? 60 बड़ा है। इससे संबंधित भिन्न कौन सी है? 15/8। तो 15/8 क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो यहां से अपने पास में एक रिजल्ट निकल के सामने आता है कि जब भी दो अनुचित भिन्नों का गुणा करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वह दी गई भिन्नों से क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा। तो यहां पर देखिए अपन ने दो अनुचित भिन्नों का गुणा किया और जो गुणनफल आया वह क्या? दी गई भिन्नों जो गुणा किया था जिनको अपन ने उनसे बड़ा है। यहाँ पर देखिए 15/8 3/2 से भी बड़ा है और 15/8 5/4 से भी बड़ा है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको भिन्नों की तुलना समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में अपन इस भिन्नों की तुलना से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे और इनको ट्रिक से भी करेंगे, आप उनका सेकेंड्स में उत्तर दे पाएंगे। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।